हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, अभी तक हमने मोशन यानी गति क्या होती है ये समझ लिया था। इसके साथ साथ हमने जो है अलग अलग प्रकार की जो गतियां होती हैं उनके बारे में जाना। नेक्स्ट हमने धीमा और तेज का कॉन्सेप्ट देखा था और इसके बेस में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था कि चाल क्या होती है। ठीक है, अब हमने चाल का जो है एक डेफिनेशन देखी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि चाल को किस तरीके से जो है निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी बताया था। साथ ही साथ हमने इसके SI यूनिट के बारे में भी बात की थी कि इसकी SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड होती है। अब यहाँ पर हम वास्तविक तौर पर ये जानते हैं कि अगर जो है अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें या रेगुलर लाइफ में देखें या प्रैक्टिकल लाइफ में बेसिकली देखें, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमने ये देखा है कि कोई भी वाहन एक चाल से हमेशा चलता नहीं। कभी उसकी चाल तेज होती है, कभी धीमी होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई वाहन जो है चलना शुरू हो, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ, तो पहले वाहन कैसा था? रुका हुआ था, विराम अवस्था में। फिर उसे हमने स्टार्ट किया तो वो धीरे धीरे करके चलने लगा। तो पहले उसकी जो चाल थी वो हल्की थी, धीरे धीरे करके उसकी चाल बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, वो चलने लगा तो जहां पर ऐसी जगह थी जहां पर जो है सड़क बिल्कुल खाली थी, तो वहां पर जो गाड़ी है वो तेज स्पीड से जाने लगी। जहां पर गड्ढे थे, भीड़ थी, ऐसी जगहों पर जो गाड़ी है वो धीरे धीरे करके चलने लगी। इसी तरीके से जब गाड़ी रुकती है, यानी जब यात्रा पूरी कंप्लीट कर लेती है, यानी जितना उसने चलना है उतना पूरा कर लेती है और उसे कहीं पर रुकना है, ठीक है, तो क्या होता है, स्पीड को कम किया जाता है और धीरे धीरे करके जो आपका वाहन है या गाड़ी है वो रुकती है। तो इस पूरी जर्नी में हम कुछ चीजें नोट कर पा रहे हैं, क्या कि जो गाड़ी है, गाड़ी की जो चाल है, स्पीड है, वो एक समान नहीं है, वो चेंज हो रही है, वो बदल रही है। कभी गाड़ी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पूरी एक जर्नी में, पूरी एक यात्रा में गाड़ी की जो चाल है वो एक समान नहीं रहती, वो कांस्टेंट नहीं रहती या स्थिर नहीं रहती। तो यहाँ पर जब हम स्पीड की बात करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि कोई वाहन है, ठीक है, कोई वाहन है वो क्या कर रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है और वो देहरादून से हरिद्वार जा रहा है। कहाँ जा रहा है? देहरादून से हरिद्वार जा रहा है, ठीक है, और उसकी जो चाल है, जो उसकी चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जो है देहरादून से हरिद्वार। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हम चाल की बात कर रहे हैं, ये हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, औसत चाल की बात करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने वाहन से देहरादून से हरिद्वार जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा उसकी चाल सेम नहीं होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी इसकी स्पीड की बात करेंगे तो हम हमेशा एवरेज स्पीड यानी औसत चाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? औसत चाल। तो जब भी वाहन चलता है उसकी हम स्पीड की, उसकी चाल की बात करते हैं तो हम बेसिकली उसकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी भी वो यात्रा करता है उसमें हर समय अंतराल में उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है, वो एक समान नहीं रहती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती है, वो बदलती रहती है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। इसी कारण जब भी हम वाहन के चाल की बात करते हैं तो हम औसत चाल की ही बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। When we say that a car is moving with a speed of 50 km per hour, तो जब हम ये कहते हैं
हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कोई कार है वो चल रही है, और वो कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी जो है उसकी चाल है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल। इट इंप्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। अब अगर हम डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली जो हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अनुसार अगर हम देखें, तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो इसका अर्थ ये है कि उस गाड़ी ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। हाउएवर कार सेल्डम मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। अब वास्तविक तौर पर या प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि कभी भी कोई भी गाड़ी, कोई भी कार 1 घंटे तक एक जैसी स्पीड पे नहीं चलती, ठीक है, एक समान नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? जैसे मैंने आपको कहा कि कभी क्या होगा, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, आपकी गाड़ी चलना शुरू होगी तो पहले वो रुकी हुई थी, फिर धीरे धीरे करके वो स्पीड लेगी, ठीक है, स्पीड लेगी, यानी पहले धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर अगर खाली रास्ता हुआ तो स्पीड तेज हो जाएगी, भीड़ हुई, कहीं पे गड्ढे हैं तो स्पीड कम हो जाए, ठीक है, जब गाड़ी रुकेगी उस समय भी उसकी स्पीड कम होगी। तो यानी कि क्या हो रहा है, जो गाड़ी है, गाड़ी की जो चाल है वो 1 घंटे तक एक जैसी नहीं है, कभी ज्यादा है, कभी कम है, ठीक। इन फैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप द स्पीड। क्या कहा गया है कि ये देखा गया है कि जब गाड़ी शुरू होगी, ठीक है, गाड़ी चलना शुरू हुई तो पहले वो धीरे धीरे चलेगी, फिर वो स्पीड पकड़ लेगी, ठीक है, यानी पहले धीरे धीरे चलेगी, फिर वो अपनी स्पीड पकड़ लेगी। सो व्हेन वी से दैट अ कार हैज अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जब भी हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि गाड़ी ने जो कि जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका अर्थ ये है कि उस गाड़ी ने 1 घंटे में टोटल कितनी दूरी तय की है, 50 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हम इसको क्या बोलते हैं, औसत, क्या कहते हैं, एवरेज, ठीक है, तो इसी से आपका जो है एवरेज स्पीड और जो आपका औसत चाल होता है उसका कॉन्सेप्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो गाड़ी है उसकी चाल हमेशा एक समान नहीं रहती, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो आपका अब हम जानेंगे कि बेसिकली ये जो एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे हैं ये क्या होती है, यानी औसत चाल क्या होती है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि बेसिकली जो चाल है किसी भी वाहन की, जो चाल है वो एक समान नहीं रहती, वो बदलती रहती है, इसलिए हम औसत चाल के बारे में बात। अगर हम औसत चाल की बात करें तो औसत चाल जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि जो आपको आपके पास टोटल समय है, यानी जो आपके पास समय है, ठीक है, उसमें टोटल कितनी दूरी तय, ठीक है, यानी कुल समय में तय की गई कुल दूरी के को ही हम क्या कहते हैं, आपकी औसत चाल, या हम ऐसे कह सकते हैं कुल दूरी जो कि किसी कुल समय में तय की गई है, इसका जो अनुपात होता है इसी को हम औसत चाल कहते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें, चाल की बात करें, तो वहां पर हमने टोटल वर्ड का यूज नहीं किया, वहां पे हमने टोटल वर्ड का यूज नहीं करा, कुल दूरी की बात नहीं की गई, कुल समय की बात नहीं की गई, वहां पर हम यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वाहन के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा टोटल कितनी दूरी तय की गई है, और उस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगा है, इसका जो अनुपात है वही एवरेज स्पीड यानी औसत चाल कहलाता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक
एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने चलना शुरू किया, ठीक है, उसने चलना शुरू किया, वो कार से जा रहा है, उसने चलना शुरू किया, उसने ए बिंदु से चलना शुरू किया, चला वो और बी बिंदु तक पहुंचे, ए से बी बिंदु पे पहुंचे। अब ए से बी बिंदु पे जब वो पहुंचा तो जो उसने दूरी तय की वो कितनी थी, 20 किलोमीटर की दूरी थी। कितनी थी? 20 किलोमीटर की दूरी थी। और ये दूरी इसने जो है आधे घंटे में तय की, ठीक है, कितने घंटे में, आधे घंटे, यानी 30 मिनट, हाफ एन आवर, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जब बी बिंदु पे पहुंचा तो फिर वो बी बिंदु से वो आगे चला, जब वो बी से सी की ओर गया तो उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की गई, ठीक है, उसने क्या किया, 30 किलोमीटर की दूरी तय की। अब इस दूरी को तय करने में उसको 1 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय की गई है, 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की। अगर हम जो है यहाँ पे स्पीड निकालेंगे तो हम नॉर्मली कहेंगे ए से बी की जो स्पीड है वो 20 क्या है, आपकी दूरी है, अपॉन टाइम कितना लगा, आधा घंटा, यानी हाफ आवर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, ये आपका ऊपर चल जाएगा इंटू 2, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, बी से सी की बात करें, ये था आपका स्पीड कहाँ पे, ए टू बी। अब हम बात कर रहे हैं स्पीड की बी से सी, तो यहाँ पे दूरी कितनी तय की गई है, 30 किलोमीटर, और समय कितना लगा, 1 घंटा। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय की, ठीक है। तो पहला ए से बी में चलने पर जो दूरी तय की गई है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर हम बी से सी की बात करें तो इस यहाँ पर जो उसकी स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो आपके इस जर्नी के जो दो पार्ट है, ठीक है, इस यात्रा के जो दो भाग है उसमें वाहन की जो चाल है वो अलग है। यहाँ पे हमने नॉर्मल जो है स्पीड निकाला अलग अलग जो है आपकी जो आपकी डिस्टेंस है उसके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की, यानी औसत चाल की। अब औसत चाल का हमारा फॉर्मूला क्या है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय, यानी कुल कितनी दूरी तय की गई है और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, इसका जो अनुपात है वो क्या होता है, औसत चाल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें औसत चाल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए से सी तक जाने में कितनी दूरी तय की है, यह है आपका 20 किलोमीटर ए से बी की दूरी है और 30 किलोमीटर आपकी बी से सी की दूरी। तो जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा आप लिखेंगे एवरेज स्पीड, यानी कुल चाल, सॉरी औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होगा आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर, यानी कुल तय की गई दूरी। तो कितना होगा, 20 प्लस 30, ए बी दूरी प्लस बी सी की दूरी, तो 20 प्लस 30, तो ये कुल क्या हो जाएगी, दूरी, टोटल कितनी दूरी तय की गई, 20 प्लस 30। तो आप लिखेंगे 20 प्लस 30। नीचे क्या लिखा गया है डिनोमिनेटर में, टोटल टाइम टेकन, यानी कुल लिया गया समय, यानी इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगा है, तो कितना होगा, हाफ प्लस वन,
ठीक है, कुल दूरी 20 प्लस 30, ए से सी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की गई, 20 प्लस 30, समय कितना लगा, ए से बी में आधा घंटा, बी से सी में एक घंटा, तो दोनों को आप प्लस कर दें। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो यूनिट है, जो इसके मात्रक है, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। आपका 20 किलोमीटर में है, 30 किलोमीटर में है, तो हमने ऐड कर दिया डायरेक्ट, हाफ घंटे में है, एक भी जो है घंटे में है, तो हमने ऐड कर दिया। अगर मान लीजिए ये मिनट में होता, आधा घंटे को आपको मिनट में दिया होता, तो पहले आप इसे घंटे में कन्वर्ट करते तब ऐड करते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कर, अगर जो है आपके जो यूनिट है वो सेम नहीं है, आप पहले बदलेंगे उसे, कन्वर्ट करेंगे, तब आप इसे सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आ गई 20 प्लस 30 बटा 1 बटा 2 प्लस 1, सॉल्व करेंगे इसे, 20 प्लस 30 कितना होता है आपका 50, नीचे से सॉल्व करेंगे, 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस 2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 50 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे औसत स्पीड क्या आई है, 100 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी जो तय की गई है और उस दूरी को तय करने में जो कुल समय लिया गया है उसका अनुपात ही एवरेज स्पीड कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। और ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी कोई वाहन चलता है, कोई दूरी तय करता है, ये बहुत दूर तक जा रहा है, तो प्रैक्टिकली जो आपका वाहन होता है उसकी चाल एक समान नहीं रहती है। तो जब भी हम किसी भी वाहन की चाल के बारे में बात करते हैं तो हम बेसिकली नॉर्मल चाल यानी स्पीड की बात नहीं करते, हम औसत चाल की बात करते, ठीक है। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी औसत चाल तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम, और इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो है आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एसआई मात्रक है। अब ये एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो जो दूरी होती है, दूरी का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसी का रेशियो क्या हो गया इसका, आपकी एसआई यूनिट हो गई, यानी जो आपकी स्पीड है, ठीक है, जो चाल है, चाहे औसत चाल की अगर हम बात करें तो दोनों का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड ही होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। अब हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो हमने अभी तक किसकी बात करी, हमने बात करी मोशन की, गति की बात करी, हमने स्पीड की बात करी, ठीक है, जो कि हमने फास्ट और स्लो के कॉन्सेप्ट से, धीमा और तेज के कॉन्सेप्ट से जाना कि स्पीड क्या होती है। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई वाहन, ठीक है, कोई वाहन है, वो चलना शुरू करता है, ए बिंदु से बी बिंदु पे तक जाना चलता है। अब इस बीच वो क्या करता है, पहले वो क्या करता है, ए से वो पी बिंदु तक पहुंचता है। अब ए से जब वो पी बिंदु पे पहुंचता है तो इस जर्नी में या इस जो ये आपकी यात्रा है इसमें उसकी जो स्पीड थी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर
फिर वो P से Q की ओर जाता है, तो यहाँ पर जो उसकी चाल थी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर वो Q से R की ओर जाता है, तो यहाँ पर भी देखा गया कि उसकी जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो R से S की ओर गया, तो यहाँ पर भी उसकी जो चाल थी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर वो S से B की ओर गया, तो यहाँ पर भी उसकी जो चाल थी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, तो क्या देखा गया? ये देखा गया कि जब वाहन A से B पे गया, ठीक है, A से वो B की ओर जा रहा है, पर वो पहले A से P गया, तो उसका उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो चाल थी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर वो P से Q की ओर गया, फिर देखा गया कि उसकी जो स्पीड थी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर Q से R की ओर गया, वहां पर भी उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। R से S की ओर गया, वहां पर भी उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और फिर S से वो B की ओर गया, तो तब भी उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो वाहन है वो कहाँ चल रहा है, एक सीधी रेखा में चल रहा है। तो जब भी कोई वाहन, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, यानी बेसिकली क्या हो रहा है, इसकी जो चाल है, ठीक है, यहाँ पर हम चाल के कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं, इसकी जो चाल है, यानी जो वाहन की चाल है, हर टाइम, हर समय, ठीक है, हर समय क्या देखा गया, इसकी जो चाल है वो कैसी है, बराबर कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हर टाइम क्या देखा गया कि इसकी जो स्पीड थी, हर समय अंतराल में जो इसकी स्पीड थी वो क्या थी, सेम, एक जैसी। तो ऐसी जो स्पीड होती है जिसमें वस्तु की जो चाल है हर समय अंतराल में एक समान रहती है, ऐसी चाल को हम क्या कहते हैं, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान चाल। और इस प्रकार की जो गति होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो गति होती है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति। तो एक समान गति क्या होता है, एक समान गति वह गति है किसी भी वाहन की जब वह हर समय अंतराल में जो है उसकी जो स्पीड है, उसकी चाल है वो एक जैसी है, एक समान। ठीक है, अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो हर समय अंतराल में वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चल रहा हो, तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, एक समान गति। अगर हम इसके विपरीत बात करें कि मान लीजिए कोई वाहन है, वो x से y की ओर जा रहा है, बीच में वो जो है x से y की ओर जा रहा था, पर ये देखा गया कि जब वो x से फिर a बिंदु पे गया तो उसकी जो चाल थी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। a से जब वो b में गया तब उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल देखी गई। फिर B से Y की ओर जाने पर उसकी जो चाल देखेगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा देखेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर समय अंतराल में वाहन की जो स्पीड है, जो चाल है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार की जो गति होती है जिसमें हर समय अंतराल में या हर टाइम जो है वाहन की या वस्तु की या पिंड की जो चाल है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, एक जैसी नहीं रहती, इस प्रकार की गति को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति कहते हैं। तो असमान गति क्या होती है, जिसमें वाहन की जो स्पीड है, जो उसकी चाल है वो बदल रही है, बार बार बदल रही है। ठीक है, और वह गति जिसमें वाहन की जो स्पीड है वो एक जैसी है, वो कभी बदल नहीं रही। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रहा है तो उसी में वो चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो उसी में ही चल, ठीक है, यानी इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, उसके चाल बदल नहीं रही है। तो ऐसे मोशन को, ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि समान गति और असमान गति क्या हो। जीआईसी सिमली, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी सिमली, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम वंशिका। ठीक है, तो वंशिका बेटा आप ये बताइए कि जो स्पीड होती है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट, चाल की एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, सब वंशिका के लिए ताली बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, आप बैठ जाइए। जीआईसी पबाव को एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम ज्योति। ठीक है, तो ज्योति बेटा आप ये बताइए कि एक समान गति क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मैम जब सारी गाड़ियां समान चलती है, मैम साथ चलती है, तब वो समान होती है मैम, तब उसकी एक गति होती है। अच्छा, यहाँ पर हम एक वस्तु की बात कर रहे हैं, एक वस्तु है या कोई गाड़ी है, ठीक है, वो चल रही है, ठीक है, वो चल रही है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और वो एक समान गति में जा रही है, तब आप क्या कहेंगे? मैम वो एक समान गति में जा रही है। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? कब 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 सर, कोई मैम उसका समान है कि वो एक गति में चल रही है, एक गति में यानी एक चाल में चल रही है। यस मैम, एक एक ही स्पीड में चल रही है। ठीक है, वेरी गुड। ज्योति के लिए ताली में जाएंगे। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो बच्चों हम जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, एक समान गति और असमान गति, और हमने क्या देखा कि एक समान गति कौन सी गति होती है जिसमें कोई वाहन जो अपनी जर्नी में एक समान चाल से चलता है, यानी उसकी जो चाल है वो एक जैसी है, वो बदल नहीं। अगर किसी वाहन की चाल किसी जर्नी में किसी यात्रा में बदलती रहती है तो ऐसे वाहन को हम ये कहते हैं कि ये असमान गति से चल रहा है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। यानी यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, यानी क्या कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है वो सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, सीधी रेखा में सीधी लाइन में चल रही है, और क्या हो रहा है उसकी जो चाल उसकी जो स्पीड है उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। तो ऐसी वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं? असमान चाल। और ऐसी जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं? असमान गति। क्या कहते हैं? असमान गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी ऐसे वाहन जो कि कोई यात्रा में जा रहे हैं, चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो है स्पीड क्या हो रही है? बदल रही है। तो ऐसी जो गति है उसको हम क्या कहते हैं? असमान गति। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसके विपरीत किसी सरल रेखा में अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है, ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है? इसके विपरीत अगर कोई वाहन है वो चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कि कहीं जा रहा है, और उसकी जो चाल है वो कैसी है? एक जैसी, यानी वो बदल नहीं रही, तो ऐसी वाहन की जो गति है उसको हम क्या कहते हैं? एक समान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर जो है एक बात आपको कही गई है कि जो आपकी
वाहन है या गाड़ी है या जो भी वस्तु चल रही है उसे सीधी रेखा में चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब बात कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में यानी एक सीधी रेखा में गति करने वाली वस्तु की हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की यानी समय का माप। अगर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम अपने टाइम को जो है बाउंड करते हैं या टाइम को बांटते हैं, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं टाइम को मेजर करके अपना काम करते हैं। यानी आप ये सोच के चलते हैं कि मुझे इस समय उठना है, इस समय मुझे खाना खाना है, ठीक है, इस समय मुझे होमवर्क करना है, तो आप क्या करते हैं बेसिकली अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें आप क्या करते हैं समय को का मापन करके ही इस टाइम टेबल को बनाते हैं। अब अगर हम बात करें समय के मापन की तो आजकल हम समय का मापन जो है घड़ियों के माध्यम से करते हैं, जैसे कि आपकी दीवार घड़ी हो गई, कलाई घड़ी हो गई, ठीक है, आपके जो है स्मार्ट वॉचेस हो गई, इनके माध्यम से हम समय को मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पुराने समय की तो पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे वो भी समय का मापन करते थे। वो समय का मापन छाया के अनुसार करते थे, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो सूर्य की दिशा, जैसे एक पूरा दिन है उसमें सूर्य की दिशा कहाँ पे है उसके अनुसार वो ये प्रिडिक्ट करते थे कि अभी टाइम क्या हुआ, ये अनुमान लगाते थे कि अभी समय क्या हुआ। छाया की बनावट के अनुसार यानी छाया कैसी है, छाया लंबी है, छोटी है, किस दिशा में है, इसके अनुसार भी वो समय के बारे में बताते थे कि अभी टाइम क्या हुआ। कुछ नेचुरल फिनोमेनास होते थे, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं होती थी, जैसे कि आपका जो है आपका सनराइज हो गया, ठीक है, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, उसके अनुसार जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उदय के अनुसार वो बताते थे कि एक दिन हो चुका है, ठीक है। और जैसे आपकी अमावस आ गई तो जब एक पूरी अमावस, जैसे एक अमावस आई फिर दूसरी अमावस आई तो इस टाइम इंटरवल को उन्होंने क्या कहा कि एक महीना यानी एक मंथ हो। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, प्राकृतिक जो परिघटनाएं हैं, ठीक है, चाहे शेडो फॉर्मेशन हो, छाया की का बनना, ठीक है, जो कि छाया होती है उसका बनना, सन की जो उसकी जो पोजीशन है, सूर्य की पोजीशन, सूर्य की जो स्थिति है, कहाँ पर सूर्य है, उसके अनुसार वो समय को मापते थे। फिर वो चंद्रमा की जो कलाएं हैं उनसे बताते थे, ठीक है, आपके अमावस पूर्णिमा को देख के बताते थे, सूर्य के उगने, ठीक है, सूर्यास्त, सूर्योदय, इसको देख के वो समय का क्या करते थे, मापन करते थे। सीजन्स के बदलने के अनुसार भी वो समय का मापन करते। तो इस तरीके से हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो समय का जो है मापन करते थे। Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. यानी जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने यह देखा कि प्रकृति की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो खुद को दोहराती है। For example, they found the sun rises every day in the morning. जैसे कि उन्होंने क्या देखा कि हर रोज सूर्योदय होता है। The time between sunrise and next sunrise was called a day. तो इसी के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जो पहला सनराइज यानी पहला सूर्योदय है और जो दूसरा सूर्योदय है उसके बीच का जो समय है वो एक दिन हो। Similarly, a month was measured from one new moon to next new moon. इसी तरीके से उन्होंने क्या देखा कि ये देखा कि जो चंद्रमा है उसकी जो शेप है वो बदल रही है, उसकी जो आकार है वो बदल रही है, ठीक है। कभी आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देता है जिसको आप अमावस कहते हैं, कभी आपको चंद्रमा पूरा दिखाई देता है जिसे आप पूर्णिमा कहते हैं, और इसके बीच में क्या होता है चंद्रमा की जो शेप है वो घटती बढ़ती रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये चीज ऑब्जर्व करके उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि एक अमावस से दूसरे अमावस के बीच का जो समय है, जो टाइम है, उसको उन्होंने मंथ कहा यानी एक महीना। तो उन्होंने मंथ को इस तरीके से मेजर किया। अ ईयर वॉज फिक्स एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। और इसी तरीके से
अगर बात करें एक वर्ष की, तो एक वर्ष को उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया कि जब अर्थ पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर काट देती है, एक चक्कर काट लेती है, एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देती है, तो उसी को क्या कहा गया, एक साल यानी एक वर्ष कहा। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जिस समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती। तो इस तरीके से जो हमारे एंसेस्टर्स थे या हमारे पूर्वज थे वो समय का मापन किया करते थे। तो बच्चों आज हमने एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को जाना, यानी औसत चाल क्या होती है ये हमने देखा। एक उदाहरण के साथ हमने इसे समझा। इसके साथ साथ एक समान गति और असमान गति क्या होती है ये भी जाना, और साथ ही साथ हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी समय के मापन के कॉन्सेप्ट को देखा, जिसमें हमने ये जाना कि जो हमारे पूर्वज थे वो किस तरीके से समय का मापन करते थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि समय के साथ किस तरीके से समय के मापन की विधि में परिवर्तन आया, उसके इंस्ट्रूमेंट्स में चेंजेस आए, और किस तरीके से समय का मापन आज किया जाता है ये भी हम जानेंगे। तो बच्चों आपको आज जितना पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है, आपको पूरा रीड करना है। अगर आपको कुछ कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।